हाँ, इस क्यों नहीं आए? ये अच्छा सवाल आपने किया। इसलिए नहीं आए कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी नहीं है, ये उसका सही कारण है। लीडर बनना बहुत इजी है, इसलिए बाबा साहब ने बोला लीडर बनने के पहले तुम प्लीडर बनो। ये बाबा साहब ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। बाबा साहब ने बोला कि लीडर मस्ट बी प्लीडर, लोगों को जमा करना ही लीडर बनना का काम हो गया। अब लोग जमा होने के बाद उसकी ताकत बढ़ती, उसका आवाज़ बढ़ता, उसके आवाज़ का यानी क्या बोलते उसको से का मतलब महत्व आ जाता, मजबूती आ जाती, और फिर वो जो बोलेगा वो मीडिया उसको ही करेंगे। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम, उसको प्लीडिंग मालूम नहीं, उसको लॉ मालूम नहीं, उसको राइट मालूम नहीं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मालूम नहीं, आर्टिकल 25 मालूम नहीं, फिर भी वो बौद्धिक बात करेंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि लीडर मस्ट बी प्लीडर, यानी प्लीडर रहना बहुत ज़रूरी है। और प्लीडर नहीं रहने से क्या होगा, इतना बड़ा मसला, ये बाबा साहब के लिए ये मसला एक छोटा सा मसला था, छोटा सा काम। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को बुद्धिस्ट लॉ बनाना एक छोटा सा विषय था, छोटा सा। लेकिन इतना छोटा सा विषय अभी 60 साल के बाद भी हमारे लिए कितना बड़ा है। आज हमको यानी कमीशन हमारे सपोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट में है, और फिर भी सरकार को कुछ हमारे बात पर ख्याल करने की कुछ ये नहीं। और इसलिए हमें अभी मजबूरन है, वही हम वही कंस्ट्रेंट, हम मजबूर हो गए अभी। मैं तो ऐसा बोलूँगा कि अगर सरकार ये बात अगर आंदोलन के बाद अगर नहीं सरकार सुनती है तो आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो पहला टप्पा दूसरा टप्पा नहीं कर टप्पा भाव कर करेंगे सीधा हम अगेंस्ट द गवर्नमेंट पिटीशन फाइल करेंगे कि ये गवर्नमेंट को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही कबूल नहीं है। इस गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द सेकुलर स्टेट। अगर गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि दिस स्टेट इज सेकुलर स्टेट, माइनॉरिटी की कोई गवर्नमेंट नहीं बनने वाली, माइनॉरिटी का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाला, फिर माइनॉरिटी का सोल्यूशन कौन करेगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? सरकार करेगा। जब कमीशन ने बता दिया कि बुद्धिस्ट को लाभ दे दो, बुद्धिस्ट को सेपरेट करो, बुद्धिस्ट को वहाँ से बाहर निकालो, कमीशन का रिपोर्ट सारी बात नहीं है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है, हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च हो चुका है। सर क्या रणनीति रहेगी आगे की? अगर अभी आपका जैसे आपने बताया कि आप अंबेडकर भवन से 23 अप्रैल से एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, अगर इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन यहाँ देश के राजधानी दिल्ली में होते रहते हैं, अगर इस आंदोलन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन और इस पर कानून के हिसाब से रिजल्ट ये रहेगा ना। हम 3 दिन अभी तो हमने नोटिस दिया है, हमने तो उनको बोल दिया कि अगर 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट हैज़ टू फॉर्म द कमिटी फॉर लॉ मेकिंग। ओके, लॉ मेकिंग के लिए कमिटी फॉर्म करना चाहिए, गवर्नमेंट डायरेक्शन देना चाहिए, वो कमिटी का लेटर हमको आना चाहिए, उन्होंने हमको इनवाइट करना चाहिए, जैसा अन्ना हजारे के टाइम में अगर होता है, लोकपाल विधेयक के टाइम में कमिटी फॉर्म हो गई थी, उसमें लोकपाल विधेयक में अन्ना हजारे और उनके साथ में और एक आदमी था, दो इधर के दो उधर के थे, ऐसी कमिटी फॉर्म होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ने कमिटी फॉर्म करके हमको बुलाना चाहिए, हमारा जो बिल है, हमारा जो प्राइवेट बिल है, हम जो चाहते हैं बुद्धिस्ला हमारा ऐसा होना चाहिए, दैट इज़ अवर ड्यूटी। हमें बताना है सरकार को, सरकार अप्रूव करेंगे, अब लॉ तो हमारा है ना, लॉ हम बनाएंगे, हमारा लॉ बना के हम सरकार को देंगे और सरकार से चर्चा करेंगे और सरकार उसको अप्रूव करेगा। अगर ये 3 महीने अंदर ये बात शुरू होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो लगता है आज की तारीख में सरकार को इतना कोई टाइम नहीं है सोचने के लिए। सर माना जाए कि एक व्यक्ति ने, एक महामानव ने इस करोड़ों भारत के करोड़ों लोगों के दुख धो दिए, लेकिन आज करोड़ लोग जो हैं, एक जो आज अब बोधिश ला के लिए परेशान है, उसके लिए परेशान है, तो उसको हम कहीं ना कहीं हम गलती तो कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं लागू करा पा रहे? वही ना, जो अगर हम मांग ही नहीं रहे ना, नहीं आफ्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने साल के बाद अगर बौद्धों ने अगर कानून मांगा क्या, अगर इसका हम स्टडी करेंगे तो इस दिल्ली में अभी तक कोई बौद्ध संगठना ने यह ऐसा आंदोलन किया क्या कि वी वांट बुद्धिस्ट लॉ, तो ये तो हमारी गलती हो गई ना सर। एक अभी अन्ना हजारे महाराष्ट्र से चलकर लोकपाल बिल यहाँ पारित करा लेता है और उसके पीछे लाखों की संख्या में भीड़ आती है, क्या आज मुकुंद खेरे इस बौद्ध कानून को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं, क्या बौद्ध कम्युनिटीज और बौद्ध लोगों का नेतृत्व करने वाले संगठन क्या आज मैदान में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, जिनको जो सही बाबा साहब के लोग हैं, हम तो ये आह्वान करेंगे, तुम्हारा पक्ष कौन सा है, तुम्हारा नेता कौन सा है, तुम्हारा संगठन कौन सा है, तुम्हारा क्या मिशन है, ये बाजू में रखो। अगर तुम सही बौद्ध होंगे तो बाबा साहब का जो धर्म है आज वो धर्म हिंदू लॉ में बंद है। ये पहला काम है कि हिंदू लॉ में से जो धर्म बाबा साहब का जो बंद है उसको बाहर निकालना काम किसका है? बौद्धों का काम है। बाद में संगठना चलाओ, बाद में पक्ष चलाओ, बाद में खासदार बनो, बाद में आमदार बनो, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बनो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
लेकिन पहले तुम बौद्ध अगर होंगे ना तो इस आंदोलन में शामिल हो जाओ।